Hey guys, welcome to my YouTube channel. So I'm going to explain chapter number 8 of the Allure of His Royal Highness. So without wasting any time, let's start the video. प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि प्रिंस अपने सर्वेंट को बचाने के लिए मेन कोर्ट में जाता है जहां सब उसका मजाक उड़ाते हैं। अब कोर्ट में जनरल टैंग भी प्रेजेंट होता है, इसलिए वो प्रिंस के पास आता है और उससे पूछता है कि वो इस हालत में यहाँ पर क्या कर रहा है। अब जनरल टैंग को वहाँ देख कर प्रिंस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है एंड वो जनरल टैंग कुछ बताने की कोशिश करता है, बट उस सिचुएशन में वो जनरल टैंग को कुछ भी नहीं बता पाता। अब हम ये देख पाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाइजेंग भी उसी हॉल में प्रेजेंट होता है। अब मेन डोर के पास लोगों का शोर सुनकर पाइजेंग को भी ये रियलाइज हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, इसलिए वो भी मेन डोर की तरफ जाने लगता है। एंड दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि प्रिंस काफ़ी हिम्मत करने के बाद जनरल टैंग को सारी बात बताता है कि किस तरह से उसके सर्वेंट को, जो कि उसका फ्रेंड भी था, उसे पनिश किया जा रहा है। एंड वो जानता है कि उसकी कोई भी मिस्टेक नहीं है एंड उसने जानबूझकर माधव प्रिंस को डिस्टर्ब नहीं किया। सो वो जाता है कि जनरल टैंग कंपीनियर से ये रिक्वेस्ट करे कि वो ये पनिशमेंट कैंसिल करवा दे, जिस पर जनरल टैंग प्रिंस से ये प्रोमिस करता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो उसकी हेल्प करेगा। जनरल टैंग और प्रिंस को साथ देख कर हॉल में मौजूद सारे लोग उनके बारे में गॉसिप्स करने लगते हैं एंड सारे लोग प्रिंस के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि जनरल टैंग एक ऐसे प्रिंस की हेल्प कैसे कर सकता है जो कि एक ट्रेडर का बेटा है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जनरल टैंग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड उसको फील होता है कि उसे प्रिंस की हेल्प नहीं करनी चाहिए। अब प्रिंस को बहुत ज़्यादा फीवर होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिजी फील कर रहा होता है, इसलिए ऊपर उठने के लिए प्रिंस अपना हैंड जनरल टैंग को देता है, पर जनरल टैंग प्रिंस को उठने में हेल्प नहीं करता एंड अपना हाथ पीछे कर लेता है बिकॉज जनरल टैंग को प्रिंस से ज़्यादा लोगों की फिक्र है कि वो उसको और प्रिंस को साथ देखकर उसके बारे में क्या सोचेंगे। अब नाइन्थ प्रिंस फीवर की वजह से नीचे गिरने वाला होता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आ जाता है एंड वो प्रिंस को पकड़ लेता है एंड वो उसको नीचे गिरने से बचा लेता है। प्राइम मिनिस्टर पाइजेंग जनरल से ये बोलता है कि उसे लग रहा है जैसे जनरल के पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है बिकॉज उसे इस टाइम बॉर्डर्स पर ध्यान देना चाहिए एंड फर्दर मोर एम्पीरियर ने नाइन्थ प्रिंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे रखी है, इसलिए जनरल टैंग को नाइन्थ प्रिंस की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एंड उसे अपने काम से काम रखना चाहिए एंड जिस तरह उसने प्रिंस को आज टच नहीं किया, अगर वो ऐसा ही फ्यूचर में करता है तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब फिर से गॉसिप स्टार्ट हो जाते हैं बट प्राइम मिनिस्टर पाइजेंग को इन चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे जनरल टैंग को ये रियलाइज होता है कि उसने इतने साल इतनी ज़्यादा मेहनत की एंड इतना कुछ अचीव किया बट आज भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो आज भी कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता एंड पाइजेंग आज भी फ्रीली सब कुछ कर सकता है। अब प्राइम मिनिस्टर पाइजेंग नाइन्थ प्रिंस को कोल्ड पैलेस की तरफ ले जाने लगता है। अब वो गुस्से में नाइन्थ प्रिंस से बोलने लगता है कि उसने फेंट होने के लिए बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग को चूज़ किया था एंड अगर वो वहाँ पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो जाता तो भी नाइन्थ प्रिंस जनरल टैंग की बाहों में होता, जिस पर नाइन्थ प्रिंस बोलता है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, वो सच में बहुत ज़्यादा डिजी फील कर रहा था। अब नाइन्थ प्रिंस की बॉडी अचानक से बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है एंड अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए प्रिंस पाइजेंग को यहाँ वहाँ टच करने लगता है, जिस पर पाइजेंग प्रिंस को बोलता है कि वो इस टाइम कोल्ड पैलेस के बाहर हैं, इसलिए उसे ऐसे टच नहीं करना चाहिए। पाइजेंग की बात सुनने के बाद प्रिंस को ये रियलाइज हो जाता है कि यार वो क्या कर रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा शाई फील करने लगता है एंड अब वो पाइजेंग की चीक्स पकड़ लेता है एंड उसको सारी बात बताने लगता है। प्रिंस पाइजेंग को बताता है कि किस तरह उसके फ्रेंड को माधव एम्प्रेस ने बहुत बुरी पनिशमेंट दी है एंड ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है एंड इसमें उसके फ्रेंड की कोई भी मिस्टेक नहीं है एंड वो ये भी जाता है कि ब्रदर पाई उसके फ्रेंड को इस पनिशमेंट से बचा सकता है। इस पर पाइजेंग प्रिंस को बोलता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो इन रिटर्न हमें भी उसे कुछ देना होता है, सो उसे भी इस रिक्वेस्ट के बदले में प्रिंस से एक रिवॉर्ड चाहिए। पाइजेंग की ये बात सुनने के बाद प्रिंस बहुत ज़्यादा क्लूलेस होता है एंड वो इस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए अपने फेस को पाइजेंग के फेस के साथ रब करता है, जिससे पाइजेंग के भी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है एंड ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। सो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी एंड अप टिल नेक्स्ट चैप्टर टेक केयर एंड गुड बाय।